हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर पूजा और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल एस पाठशाला में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टर्मिनेशन ऑफ रेप्लिकेशन। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। गाइस, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होता है, यानी इनिशिएशन एंड इलोंगेशन इन इकोलाई मेनली। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे टर्मिनेशन ऑफ रेप्लिकेशन। वर्ड से ही समझ में आ रहा है टर्मिनेशन का क्या मतलब होता है, किसी भी प्रोसेस का स्टॉप होना, राइट? तो रेप्लिकेशन जब इनिशिएट हुआ है तो उसको टर्मिनेट भी होना पड़ेगा। तो हम लोगों को क्या पता है कि इकोलाई जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें क्या होता है, रेप्लिकेशन जो होता है वो बाई डायरेक्शनली होता है। यानी ये एक, अगर मान लीजिए एक डीएनए है तो ये सर्कुलर डीएनए होता है, तो इसमें अगर ये ओरी सी है, दैट इज़ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, इसमें हमने क्या बोला था कि इसमें बाई डायरेक्शनल, इस और इस दोनों डायरेक्शन में रेप्लिकेशन होता जाएगा। दैट मीन्स कि ये जो रेप्लिकेशन फॉर्क है ये कहीं ना कहीं जाएगा और आपस में जाकर के स्टॉप करेगा, एक दूसरे को मिल जाएगा। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ ये दोनों रेप्लिकेशन फॉर्क्स एक दूसरे को मिलते हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे रेप्लिकेशन का स्टॉप होना ज़रूरी है। क्लियर है? इसलिए इसी पर्टिकुलर प्रोसेस को हम बोलते हैं टर्मिनेशन ऑफ रेप्लिकेशन। तो इसी से रेलेवेंट हम ये एक छोटा सा डायग्राम देख लेते हैं। इसमें देखिए, यहाँ पे ये एक सर्कुलर डीएनए है जहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ है। इस जगह पे जहाँ पे रेप्लिकेशन इनिशिएट होता है वहाँ पे रेप्लिकेशन बबल बनता है, और फिर ये जो पर्पल कलर में है दे आर न्यू स्ट्रैंड एंड द ब्लैक वंस आर द ओल्डर स्ट्रैंड्स। तो ये दोनों क्या करेंगे, बबल जो है वो बोथ एंड पे ग्रो करेंगे, यानी दोनों डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन से भी बबल ग्रो करना शुरू करेगा और इस डायरेक्शन से भी बबल जो है वो ग्रो करते करते यानी डीएनए रेप्लिकेट होना शुरू करेगा। तो ये बेसिकली देखने में थीटा जैसा लगता है। थीटा हम कैसे लिखते हैं, इसी तरीके से लिखते हैं ना। इसीलिए रेप्लिकेशन जो इकोलाई में होता है उसको हम हमेशा बोलते हैं क्या, थीटा रेप्लिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज डू रिमेंबर दिस पॉइंट कि ये देखने में क्योंकि थीटा जैसा दिखता है इसलिए हम इसको थीटा रेप्लिकेशन भी बोलते हैं। बिकॉज देर आर अदर काइंड्स ऑफ रेप्लिकेशन टू, जैसे डी लूप रेप्लिकेशन, रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन। तो वो अलग अलग तरह के जो रेप्लिकेशन होते हैं वो अलग अलग इंडिविजुअल्स में होते हैं, ठीक है? तो वो हम अलग अलग इंडिविजुअल्स वाले रेप्लिकेशन डिफरेंट वीडियोज में लेके डिस्कस कर लेंगे। सो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, ये रेप्लिकेशन बबल जब इनिशिएट हो रहा है तो अभी जैसा मैंने आपको समझाया था कि ये रेप्लिकेशन होता जाएगा, लेकिन एक पॉइंट तो ऐसा आएगा ना जहाँ पे दोनों साइड से आता हुआ ये जो हेलिकेज है, यानी कि डीएनए बी, बेसिकली डीएनए बी, इकोलाई का जो हेलिकेज होता है वो डीएनए बी होता है। तो हम कहने के लिए बीच बीच में बोल देते हैं कि हेलिकेज एंजाइम जो है वो यहाँ पे आएगा और यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे ये रेप्लिकेशन को स्टॉप करने का काम होना शुरू हो जाएगा, यानी डीएनए बी फर्दर मूव नहीं करेगा। हेलिकेज का काम क्या था, अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए। तो ये डीएनए की अनवाइंडिंग करना बंद कर देगा एक पर्टिकुलर टाइम पॉइंट पे जाकर के। तो वो पॉइंट कैसे डिसाइड होता है, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, वो डिस्कस करते हैं। तो अगर आप स्क्रीन पे ये डायग्राम देखोगे तो ये जो डायग्राम है ये बेसिकली टर्मिनेशन ऑफ रेप्लिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें मेनली क्या बताया जा रहा है कि ये सर्कुलर डीएनए है और सर्कुलर डीएनए जो होता है वहाँ पे एक ओरी सी होता है, यानी कि जहाँ पे ओरिजिन हुआ था रेप्लिकेशन का। ये दोनों ही फॉर्क्स जो हैं वो एक क्लॉकवाइज रेप्लिकेशन फॉर्क, एक एंटी क्लॉकवाइज रेप्लिकेशन फॉर्क, दोनों डायरेक्शन में, एक इस तरफ और एक इस तरफ मूव करता है। फर्दर मूव करते करते ये कुछ ऐसी जगह पर पहुँचता है जहाँ पर टर साइट्स होते हैं। इनको हम टर साइट्स यानी टर्मिनस साइट्स बोलते हैं। तो हम लोग अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये जो टर साइट्स हैं वो क्या हैं। तो रेप्लिकेशन जिस जगह पे टर्मिनेट होता है वहाँ पे मल्टीपल कॉपीज होती हैं 23 बेस पेयर सीक्वेंस की, जिसको हम टर साइट्स बोलते हैं, जो भी हमने जस्ट डायग्राम में देखा। ये जो टर साइट्स हैं या टर्मिनस सीक्वेंसेज हैं, ये टोटल 7 टाइप के टर्मिनस सीक्वेंसेज आइडेंटिफाइड हैं इकोलाई बैक्टीरिया में, और उनका नाम जो होता है वो ए से लेकर के जी तक, दैट इज टर ए, टर बी, लाइकवाइज टर जी तक है। और ये सारे के सारे टर साइट्स जो होते हैं दे विल एक्ट एज द रिकॉग्निशन साइट फॉर अ सीक्वेंस स्पेसिफिक डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। यानी ये एक ऐसे साइट्स होंगे जहां पे एक नया प्रोटीन आएगा जिसको हम बोलते हैं डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, और वो जाकर के इनके साथ बाइंड करता है, उसको हम बोलते हैं टस प्रोटीन, TUS, दैट इज टर्मिनस यूटिलाइजेशन सब्सटेंसेज। तो ये जो प्रोटीन होते हैं इनके लिए ये प्रोटीन यानी कि टर्प साइट्स जो होंगे वो दैट विल एक्ट एज द रिकॉग्निशन साइट, ठीक है? यहाँ पे जाकर के ये टस प्रोटीन्स बाइंड करेंगे और टर्मिनेशन को स्टॉप करने में हेल्प करेंगे। सो लेट्स डिस्कस दिस प्रोसेस इन डिटेल। अब ये देखिए, ये सेम डायग्राम है जहाँ पे ओरी सी प्रेजेंट है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे दोनों साइड से रेप्लिकेशन फॉर्क चलता हुआ आ रहा है। अब एक ऐसा पॉइंट तो आएगा जहाँ पे ये दोनों मिलेंगे, और उसके बाद यानी इनके आगे आगे कौन चल रहा होगा, इनके आगे आगे चल रहा होगा डीएनए बी,
है ना। डीएनए बी जो कि हम जिसको क्या बोलते हैं, हेलिकेज भी बोलते हैं, वो हेलिकेज आगे आगे जाएगा और जाकर के डीएनए की अनवाइंडिंग करता रहेगा। लेकिन एक ऐसा पॉइंट भी आएगा जहां पे ये दोनों हेलिकेजेस एक दूसरे के पास पहुंच जाएंगे और इनको लगेगा कि अब इससे ज्यादा आगे कहां जाएं, तो या तो ये क्रॉस कर जाएं एक दूसरे को, जो कि पॉसिबल नहीं होता। तो इसी जगह पे यहां पे क्या फंक्शन होता है, टर टस कॉम्प्लेक्स का फंक्शन आता है। दिस इज कॉल्ड एज टस टर कॉम्प्लेक्स। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे हम लोगों ने भी जस्ट डायग्राम में क्या देखा था कि ये टर ए कुछ इस तरफ प्रेजेंट है और यहाँ पे टर सी प्रेजेंट। सो अभी जस्ट इस डायग्राम में हमने क्या देखा, टर ई डी एंड ए, यहाँ पे ए प्रेजेंट है और यहाँ पे जी एफ बी एंड सी, ये दोनों जो सीक्वेंसेस होते हैं, टर ए सीक्वेंस एंड टर सी सीक्वेंस, ये दोनों एक दूसरे को फेस करते हैं। तो यही सेम चीज हम यहाँ पे अभी डिस्कस कर रहे हैं। इसमें देखिए यहाँ पे टर ए है और यहाँ लास्ट वाला जो सीक्वेंस है वो टर सी सीक्वेंस है, बाकी के इधर टर्स प्रेजेंट है, ये इनके लिए रिकॉग्निशन सीक्वेंस का काम करता रहेगा टर्स के लिए, बट मेन जो फंक्शन परफॉर्म होता है वो यही होता है। तो बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे टर्स प्रोटीन आएगा और ये बना देगा टर्स टर कॉम्प्लेक्स, इसको हम बोलते हैं टस टर कॉम्प्लेक्स। अब इस कॉम्प्लेक्स का काम क्या होता है, यही वो कॉम्प्लेक्स है दैट विल डिफाइन द टर्मिनेशन ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस। कैसे करता है ये बेसिकली क्या होता है, ये जो टस टर कॉम्प्लेक्स बना, यहाँ पे टस प्रोटीन जो होते हैं ना, इनके पास एक बड़ी अच्छी कैपेसिटी होती है, इसका एक साइड जो होता है उसको हम बोलते हैं परमिसिव एंड। परमिसिव एंड का मतलब हो गया, नाम से पता चल रहा है, परमिशन, यानी कि इस एंड पे जो फॉर्क मूव करेगा उसको परमिशन होगी इसको क्रॉस कर जाने की, इस टस टर कॉम्प्लेक्स को क्रॉस कर जाने की। लेकिन जो दूसरा वाला एंड होता है ना उसको हम बोलते हैं नॉन परमिसिव एंड। सो क्या होगा, ये जो टेस्ट प्रोटीन होता है ना, ये टेस्ट प्रोटीन के पास दो एंड्स हैं, परमिसिव एंड नॉन परमिसिव। परमिसिव एंड यानी कि इस प्रोटीन का फंक्शन क्या है होता है कि ये एक साइड से डीएनए को पास करने देता है या रेप्लिकेशन को होने देता है और दूसरे साइड से ये रेप्लिकेशन को ब्लॉक कर देता है। तो ये काम ये कैसे करता है ये देखते हैं। जहाँ पे ये टस्टर कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो से फॉर एग्जांपल ये वाला फॉर्क इस तरफ से मूव करता हुआ इधर आ रहा है, जब ये इस तरफ से मूव करता हुआ आएगा यहाँ पे, इसको हम परमिसिव एंड बोल रहे हैं, तो क्या होगा, ये टस और टर आपस में जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में थे ये अलग अलग हो जाएंगे, यानी ये जो टस प्रोटीन जो है ये क्या करेगा, ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा, यानी ये यहाँ से हट जाएगा, ये खुल जाएगा, तो यहाँ से रेप्लिकेशन फॉर्क जो होगा वो आराम से पास कर जाएगा। लेकिन अब से फॉर एग्जांपल ये इसका परमिसिव एंड है, तो इसका परमिसिव एंड भी कौन सा हो जाएगा, ये वाला, क्लियर। सो इसको मैं परम लिख दे रही हूं, इट मींस कि परमिसिव एंड है, और इसका नॉन परमिसिव एंड कौन सा है, ये वाला, ठीक है। तो अब ये जो कॉम्प्लेक्स था इसके थ्रू तो ये यहां से डीएनए फॉर्क यहां से पास कर गया, राइट, ये परमिसिव एंड को क्लियर करके निकल जाएगा। लेकिन जैसे ही ये इधर से नॉन परमिसिव एंड में आएगा, अब की बार क्या होगा, ये टस्टर कॉम्प्लेक्स जो है वो खुलेगा नहीं, ये टस्टर कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में ही रह जाएगा, और इसी वजह से क्या होता है, यहाँ पे दिस इज द पॉइंट जहाँ पे रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाएगा। लाइकवाइज इस तरफ का जो रेप्लिकेशन फॉर्क है ये इधर जाएगा और यहाँ पे भी ये नॉन परमिसिव, ये वाला साइड परमिसिव था, तो यहाँ से ये परमिसिव एंड से होता हुआ जा रहा है, तो यहाँ से तो ये पास हो जाएगा, बट जैसे ही ये इस वाले प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के नॉन परमिसिव एंड पे आएगा, यहाँ पे अगेन क्या होगा, यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाएगा। सो दिस इज बेसिकली द पॉइंट वेयर डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है वो हॉल्ट हो जाता है और उसके आगे रेप्लिकेशन प्रोसेस और फर्दर प्रोसीड नहीं करता है। जैसे ही ये वाला प्रोसेस होता है उसके बाद ये जो डीएनए हेलिकेजेस थे यानी डीएनए बी प्रोटीन्स थे, ये क्या करेंगे, ये भी नॉन फंक्शनल हो जाएंगे, यानी ये भी अब अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ये इसके फंक्शन को स्टॉप कर देते हैं। तो दिस इज द फिनोमेना जिसकी वजह से इकोलाई में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन टर्मिनेट हो जाता है। यही सेम चीज जो मैंने अभी बताई वही सेम चीज हम यहाँ पे देख रहे हैं, दैट इज द टस्टर कॉम्प्लेक्स एक्ट्स बाय ब्लॉकिंग द एक्शन ऑफ द रेप्लिकेटिव डीएनए बी हेलिकेज। डीएनए बी हेलिकेज के एक्शन को ये ब्लॉक कर देते हैं टस्टर कॉम्प्लेक्स। रेप्लिकेशन फॉर्क कैन पास थ्रू अ टस्टर कॉम्प्लेक्स व्हेन ट्रैवलिंग इन वन डायरेक्शन बट नॉट टू दी अदर। अगर दूसरे डायरेक्शन से आ रहे हैं तो वहां पे ये नॉन परमिसिव एंड हो जाता है, तो वहां पे ये पास नहीं करने देते फॉर्क को, और एक एंड से ये पास करने देते हैं, इसलिए हम उसको परमिसिव एंड बोलते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, रेप्लिकेशन फॉर्क ट्रैप बोलते हैं उसको, जहां पे ये दोनों जो नॉन परमिसिव एंड पे जाकर के रेप्लिकेशन हॉल्ट करता है ना, उसको हम बेसिकली बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क ट्रैप। दैट अलाउज फॉर्क्स टू एंटर बट नॉट टू लीव द टर्मिनस रीजन, जिसकी वजह से रेप्लिकेशन यहाँ पे जहाँ पे टस टर जो था वो एक कॉम्प्लेक्स बना रहा था और नॉन परमिसिव वाला जो पार्ट था उसकी वजह से इसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर ट्रैप, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे ये उसको क्लिप नहीं करता, वहाँ पे टस जो है वो अलग नहीं होता टर साइड से, और इसी वजह से इसमें टर्मिनेशन हो जाती है। सो अब डीएनए जो है वो टर्मिनेट भी हो गया। अब जब डीएनए टर्मिनेट हुआ तो उसके बाद क्या होगा,
यही यहाँ पे देखना है हमें, दैट बबल जो है वो दोनों साइड में ग्रो कर रहा था, अभी जस्ट डिस्कस किया एग्जैक्टली. तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कैटेनेटेड डीएनए बनता है, यानी ये एक दूसरे में जुड़े हुए होते हैं डीएनए एक दूसरे के अंदर. एक एक ये रिंग है, इसी रिंग के अंदर ये दूसरा रिंग ऐसे अटैच्ड है, ठीक है. ये दोनों आपस में अलग अलग नहीं हुए हैं अभी, तो वो इनको हम इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होगा उसको हम बोलते हैं कैटेनेटेड डीएनए. तो ये जो कैटेनेटेड डीएनए होते हैं इनका डीकैटेनेशन प्रोसेस, यानी इन दोनों को अलग करने का प्रोसेस जो होता है उसको परफॉर्म करते हैं टोपो आइसोमरेज 4 एंजाइम्स. आइसोमरेज जहाँ पे भी ए एस ई लगा है दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट एन एंजाइम, क्लियर. तो यहाँ पे टोपो आइसोमरेज एंजाइम जो होते हैं वो टोपो आइसोमरेज 4 मेनली, ये क्या करते हैं, ये इन दोनों डीएनए को अलग अलग कर देते हैं, ठीक है. यहाँ पे एक निक क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से ये अलग और ये अलग, दोनों स्ट्रैंड्स जो होंगे वो बेसिकली अलग अलग हो जाएंगे. और ये जो टोपो आइसोमरेज 4 एंजाइम्स होते हैं ये टाइप 2 टोपो आइसोमरेज के एग्जाम्पल होते हैं. कन्फ्यूजन आपको हो सकता है कि यहाँ पे होगी, मैं हम टोपो आइसोमरेज 4 भी बोल रहे हैं और 2 भी बोल रहे हैं, तो वो मैं टोपो आइसोमरेज वाला टॉपिक जब लूंगी तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा. तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, बट स्टिल अगर आपको कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी है तो प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप कीजिए. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हिट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, हैविंग द सेम पेज नेम दैट इज एस पाठशाला. और वहां पे मैं अलग अलग दिन अलग अलग तरह के क्वेश्चंस पोस्ट करती हूँ रिलेटेड टू डिफरेंट एग्जामिनेशंस. सो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय.